जगह ठीक है। यहां से अगर मैं कूद गई तो किसी को मेरी लाश तक का पता नहीं चलेगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। हाँ यही ठीक है। एक्सक्यूज मी, एक फोटो क्लिक कर देंगे प्लीज? वो क्या है ना, जिंदगी की घड़ी कभी किसी के लिए रुकती तो है नहीं, और हर गुजरते पल के साथ हमें एक नई याद दे जाती है। अब हमें सब कुछ तो याद रहता है नहीं, तो उस वक्त इन तस्वीरों को देखे तो सारी यादें एकदम तरोताजा हो जाती है। एक तरह से कह सकते हैं कि इन तस्वीरों में हमारी सारी यादों का डेटा सेव होता रहता है, इसीलिए मैं जब भी जहाँ भी जाती हूँ एक फोटो डेफिनेटली निकलवाती हूँ। ये यहाँ से क्लिक करना है, ये वाइट वाला पकड़िए ना, यहाँ से क्लिक करना दोस्त। तस्वीर ऐसी खींचना कि जिंदगी निखर कर आ जाए। ओह माय गॉड, इतनी गहरी खाई। यहाँ से अगर कोई गिर गया तो उसकी हड्डी पसली तक नसीब नहीं होगी। वेरी स्कैरी। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं यहीं रुक जाती हूँ, आप थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। थैंक यू। अब मैं अलग अलग पोज़ेस देती हूँ, आप शूट करते चलिए। जिंदगी आ गले लज्जा, इतनी सारी फोटो खिंचवा रही हो। हाँ वो तो है, लेकिन क्या हुआ ना, इतनी सुंदर वादियाँ हैं, फोटोग्राफर भी है और मेरा मूड भी है, तो सोचा और खिंचवा लेती हूँ। सॉरी। थैंक यू। बाय द वे, आप बड़ी जल्दी में लग रही हैं। कहाँ, अरे एक मिनट, कहाँ चली? मेरी बात ठीक से सुनी थी शायद आपने। खाई बहुत गहरी है, अगर यहाँ से गिर गए तो हड्डी पसली तक नसीब नहीं होगी। और जब मैं यहाँ आई तब भी तुम इसी डायरेक्शन में जा रही थी। आत्महत्या करने का चक्कर नहीं है? अपने काम से काम रखो। हाँ हाँ बिल्कुल, बस दो मिनट। हाँ दो मिनट, मैं जरा अपने कैमरे का एंगल सेट कर लेती हूँ ताकि तुम्हारी आत्महत्या शूट कर सकूँ। एक मैं ओके बोलूँ फिर कूदना। हाँ तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या हो गया? कोई किसी की आत्महत्या को शूट करता है या उसे आत्महत्या करने से बचाता है? अरे पागल हो गई हो क्या? आज की तारीख में कहीं मारपीट हो रही हो, डकैती हो रही हो, खून हो रहा हो या किसी का रेप हो रहा हो, पहले उसे शूट किया जाता है ताकि अपने ग्रुप में वायरल करके फेमस हुआ जाए। ये बचाना, हेल्प करना, ये सब तो ओल्ड फैशन है। चलो नाउ आई एम ऑल सेट। ओके प्लीज जंप। कम ऑन माय ब्रेव लेडी, प्लीज जंप। अरे यार सॉरी, ब्रेव लेडी तो गलत बोल दिया मैंने, क्योंकि आत्महत्या तो वो लोग करते हैं जो समस्याओं का सामना करने के बजाय उनसे भागने वाले भगोड़े होते हैं। सॉरी वंस अगेन। हाँ चलो प्लीज जंप। कम ऑन यार, कितना टाइम ले रही हो, ऐसे घूम क्यों रही हो? अच्छा वो कायर वाली बात बोली इसलिए? अरे यार वो मेरा खुद का रियलाइजेशन है। क्या हुआ था ना, एक समय ऐसा भी था जब मैं खुद आत्महत्या की कगार पर थी। मैं किसी एक लड़के के प्यार में पड़ गई थी और उसे दीवानों की तरह प्यार करती थी, बट वो साला भवरा निकला, मुझसे मन भर गया तो किसी और फूल पर जा बैठा। मैं बहुत रोई चिल्लाई कि परदेसी जाना नहीं, बट वो बोला कि रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं, और निकल पड़ा। तब मैंने भी पूरा डिसीजन ले लिया था कि अब जिंदगी में क्या बचा है। पंखे से लटक जाती हूँ और जैसे ही लटकने वाली थी, बगल वाले पप्पू की टीवी का वॉल्यूम बढ़ गया और गाना बजा, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तब मुझे भी सेकंड थॉट आया कि यार सही बात है, रश्मि की 3 शादियां टूट गई फिर भी वो मजे से जी रही है, गुप्ता की आंत में कैंसर है फिर भी वो मजे ले रहा है जिंदगी के। अब साले पप्पू को ही ले लो, उसे नए नए फैशनेबल जूते पहनने का शौक था, एक्सीडेंट में उसकी टांगे कट गई,
लेकिन फिर भी वो मजे से जी रहा है, तो फिर मैं क्यों मरूं? गाना एकदम सही है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, बस देखने का नजरिया है दोस्त। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अगर कील चुभ जाए तो उसे भी कांटे की तरह निकाल फेंकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें अगर कांटा चुभ जाए तो उसे भी कील का दर्द बना लेते हैं। इस पर मुझे स्वामी विवेकानंद जी की कुछ कही बात याद आती है, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तुम भी कुछ समझाओ ना, शायद तुम्हारा ही सुन। बेटा लड़का और परिवार बहुत अच्छा, पर तू शादी से इनकार मत कर। कैसी बात कर रहे हो पापा, अभी माँ के इलाज में इतने रुपए खर्च हुए हैं और वो लोग दहेज भी मांग रहे हैं। ना ना बेटा, वो लोग दहेज नहीं मांग रहे, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि लड़की अपने भाग्य से जो लाएगी उनके लिए बस है। कान घुमाकर पकड़ रहे हैं पापा, अगर मन में खोट ना होता तो साफ साफ कह देते हमें दहेज नहीं चाहिए। अब तू उसकी चिंता छोड़, ये सब जुगाड़ मैं कर लूंगा। माँ पापा सही कह रहे हैं बेटा, शादी के लिए मना मत करो। तू भी माँ। अच्छा आप बताइए पैसों का जुगाड़ कहाँ से करेंगे? मकाने बेच देंगे। क्या? घर बेच देंगे? और ऐसी हालत में माँ को लेके अब दर दर की ठोकरें खाएंगे। पापा आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं अपने शादी के लिए पैसों का इंतजाम खुद कर लूंगी। बेटा जब तक ये रिश्ता हाथ से निकल जाएगा, इससे और कई अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। बस कर, बहुत बहस कर रहे हैं। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज की कुछ रीति रिवाज जिसे हमें निभाने पड़ते हैं, उसी तरीके से तेरी शादी होगी। और जब वो चाहेंगे तब, अगर तुमने मानने से इनकार कर दिया हमारा फारम हुआ भूल जाएगा। पापा अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो समाज के नियम कायदों के लिए मैं अपने माँ बाप को बेघर नहीं कर सकती, फिर भले इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। समाज के नियमों को बदलना क्या आसान है? स्वामी विवेकानंद जी की लाइनों को ठीक से सुना नहीं तुमने? कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तुम जो कह रही हो वो आसान तो नहीं, लेकिन क्या असंभव है? चलो मुस्कुराहट आई तो सही। एक बात और कहूँ, मान लो मैंने आत्महत्या कर ली होती, पर जो कोई भी आत्महत्या करना चाहता है, क्या आत्महत्या करने से हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है? मान लो उस दिन मैं अगर मर गई होती तो उससे उस बेवफा को क्या फर्क पड़ता? हाँ, लेकिन मेरे माँ बाप जिन्होंने दो बेटों के बाद बड़ी मन्नतों से मुझे पाया है, उनका सारा जीवन गमों से भर जाता। क्यों, सही कह रही हूँ ना? मेरे बाद मेरे माँ बाप भी तो बेसहारा हो जाएंगे। मैं जब भी तुम्हारी तरह कंफ्यूज रहती हूँ ना, कहीं पड़ी हुई चंद लाइनें मुझे बार बार याद आती हैं, जिन्हें मैं मंत्र की तरह दोहराती हूँ। इनसे मुझे शक्ति भी मिलती है और प्रेरणा भी। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा अधिक हो कुआ उतना मीठा जल मिलता है, जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है, जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। अच्छा अब तुम तो मुझे अपना वीडियो बनाने दोगी नहीं, मैं खुद ही अपना बना लेती हूँ। चलती हूँ, बाय बाय। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा अधिक हो कुआ उतना मीठा जल मिलता है,
जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। थैंक यू गॉड, एक बार फिर आपने मुझे कामयाब किया। हाँ, घर छोड़ दीजिए, माँ पापा इंतजार कर रहे होंगे।